Good morning, everyone. Continuing with our topic, difference between convenience shopping and specialty products. तो next जो हमारा point है, that is channel length. Channel length का मतलब है कि जब आप product को distribute कर रहे हो, तो distribution system में कितने levels involved हैं. मतलब wholesaler, retailers, agents, इनकी हम बात कर रहे हैं. तो जब हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें लॉन्ग चैनल यूज होता है, जबकि जो आपका शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें कन्वीनियंस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली शॉर्ट चैनल यूज होता है, और जो आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट है उसमें वेरी शॉर्ट चैनल यूज होता है. एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है उसमें एडवर्टाइजिंग मैन्युफैक्चरर करता है, और जो आपका शॉपिंग और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो मैन्युफैक्चरर और मिडलमैन है दोनों एडवर्टाइजिंग करते हैं. कंपैरिजन प्राइस और क्वालिटी के बेसिस पर जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है उसमें बहुत कम कंपैरिजन होता है, जो आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, जबकि जो शॉपिंग प्रोडक्ट है उसमें कन्वीनियंस से ज़्यादा कंपैरिजन होता है लेकिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट से कम कंपैरिजन होता है. देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में टर्नओवर हाई होता है, जो आपका स्पेशलिटी और शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो स्टॉक टर्नओवर है वो कम होता है. देन नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो फर्म्स बाय कर रही हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, और उसे वो आगे फर्दर यूज करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर डेस्टिन टू बी सोल्ड प्राइमरली फॉर यूज इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं नॉन पर्सनल और बिजनेस यूज के लिए आप यूज करते हैं. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फर्दर हम डिवाइड करते हैं फोर पार्ट्स में: रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, फैब्रिकेटेड मटेरियल्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाई. सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल की. रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप फर्दर प्रोसेसिंग करते हो, और मोस्ट ऑफ दी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं वो रॉ मटेरियल्स की तरीके से यूज होते हैं, जैसे कॉटन, शुगर केन, नेचुरल रबर, ग्लास, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. जो बेसिक प्रोडक्ट है, जो पार्ट बनेगा फिनिश प्रोडक्ट का, वो रॉ मटेरियल होता है. तो जो रॉ मटेरियल होता है उन्हें आप ग्रेड करते हो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और जो डिमांड है रॉ मटेरियल की वो डिपेंड करेगी आपकी फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड पर. देन नेक्स्ट है आपके इक्विपमेंट्स. इसे हम फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहला है इंस्टॉलेशन. इंस्टॉलेशन लॉन्ग लाइफ के लिए होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं ये, और ये नेसेसिटी होती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स. फाइनल प्रोडक्ट्स का पार्ट ये नहीं बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीजल इंजन, बॉयलर्स, सॉ मिल्स एसेट्रा. इनके ऊपर डेप्रिशिएशन लगता है और पर्सनल सेलिंग इसके लिए आप यूज करते हैं. देन नेक्स्ट इज योर एसेसरी इक्विपमेंट. एसेसरी इक्विपमेंट्स में आपके मूवेबल फैक्ट्री इक्विपमेंट्स आ जाते हैं जो आप यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे हैंड टूल्स हो गए, ड्रिल मशीन हो गई, लिफ्ट ट्रक्स हो गए, वेल्डिंग इक्विपमेंट, रिफाइनिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा हो गए. ये भी फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं, ये एक्सपेंसिव होते हैं और शॉर्ट लाइफ होती है इनकी. देन नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी भी लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं और एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन होती है फैक्ट्री प्रीमिसेस में, और इसमें हैवी मशीनरी, फैक्ट्री साइट्स, प्रोडक्शन लाइन्स इंक्लूड होती है. डिफरेंट प्रोडक्शन कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग ये अवेलेबल होती हैं, और ये भी फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते लेकिन प्रोडक्शन के लिए ये असेंशियल होता है. तो और इन्हें परचेज टॉप मैनेजमेंट करती है आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स. जो फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल्स हैं वो पार्शियल या कंप्लीट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिन्हें आप बिना उनमें कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल चेंज किए आप उन्हें फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरीज, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, स्पार्क प्लग्स, टायर्स एंड ट्यूब्स और कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एसेट्रा. और ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें और प्रोसेसिंग कर सकते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़र डायरेक्टली परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से,
जो फैब्रिकेटेड मटेरियल्स होते हैं वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर परचेज होते हैं आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ द सेलर, उसकी रिलायबिलिटी विद रिगार्ड टू टाइम, प्राइस एंड सर्विस को चेक करने के बाद। देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सप्लाइज। ऑपरेटिंग सप्लाइज वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए असेंशियल होते हैं लेकिन वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, जैसे फ्लोर वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, हीटिंग ऑयल, एडेसिव, नट बोल्ट्स, कंपनी की जो मशीनरी है उसके लिए जो स्मॉल कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो सारी पार्ट्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सप्लाई का। ऑफिस स्टेशनरी जैसे पेंस, पेंस, पेंसिल, पेपर्स एसेट्रा, जो ऑपरेटिंग सप्लाईज हैं वो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, कम प्राइस की होती हैं और यूजुअली मिनिमम एफर्ट के साथ आप इन्हें परचेज करते हो। देन नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ कस्टमर्स की बात करें तो जो बायर्स होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो बायर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट कंज्यूमर्स होते हैं। देन नंबर ऑफ बायर्स की बात करें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बायर्स लार्ज इन नंबर है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिमिटेड इन नंबर है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट डिमांड होती है जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनडायरेक्ट डिमांड होती है। देन नेक्स्ट इज योर एक्सटेंड ऑफ मार्केट। जो मार्केट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की वो वाइड और एक्सटेंडेड होती है जबकि जो मार्केट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की वो ज़्यादा वाइड नहीं होती और रिलेटिवली नैरो होती है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए आप एडवर्टाइजिंग पर एम्फोसिस देते हो जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए आप पर्सनल सेलिंग पर एम्फोसिस देते हो। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एनालिसिस। जो बायर्स है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वो ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं प्रोडक्ट को बाय करने से पहले जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के यूज़र हैं वो डिटेल एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस इन द मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। क्यों हमें डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, उसके रीजंस क्या है? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाउस होल्ड और इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए होते हैं जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए होती है, जब आप उन्हें डिलीवर कर रहे हो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को तो उससे पहले आप उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करते हो, जबकि जो बायर्स है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वो यूजुअली डिफरेंट होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से। तो क्यों ज़रूरत है सेपरेट टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स? जो मेन डिफरेंस है मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, दैट इज नेचर ऑफ डिमांड। जो डिमांड है कंज्यूमर प्रोडक्ट की वो ओरिजिनल और डायरेक्ट डिमांड है जबकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड है वो डेराइव्ड डिमांड है, इसीलिए डिफरेंट अप्रोचेस की ज़रूरत होती है। देन जो बायर्स है कंज्यूमर प्रोडक्ट के वो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं या अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर या इमोशनल तरीके से वो बाय करते हैं जबकि जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के यूजर्स होते हैं वो परचेज डिसीजन करते हुए लॉजिक्स और रैशनल यूज़ करते हैं, रैशनली यूज़ करेंगे वो और पूरा देखेंगे कि क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। देन अगर जो बायर है कंज्यूमर प्रोडक्ट के वो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स जो हैं प्रोडक्ट के उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जबकि जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं वो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो नंबर ऑफ बायर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के वो कम है एज कम्पेयर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो पर्सनल सेलिंग जो है वो आप यूज करते हो इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जबकि एडवर्टाइजिंग आप यूज करते हो इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। देन जो बायर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं कि क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं प्रोडक्ट के। देन जो मोटिव है परचेज का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का बाय द मैन्युफैक्चरर वो रैशनल होता है, ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो अबाउट द कॉस्ट, क्वालिटी, स्टैंडर्ड फीचर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। जो लिमिटेशंस हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की वही वे क्रिएट करती हैं फॉर द मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन प्रोडक्ट फी करेक्टरिस्टिक्स। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो दी थी प्रोफेसर लियो वी एस्पिनवॉल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने इन 1956 अपने आर्टिकल में कॉस्ट एंड प्रॉफिट आउटलुक, और उसने जो ये क्लासिफिकेशन दी थी वो मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है आज एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल
क्लासिफिकेशन. तो जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन लियो वी एस्पिनवॉल ने दी थी, वो दी थी कि जो प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड्स के, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन उसने दी. जो प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, वो इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द बायर बिहेवियर मार्केटर को. जबकि जो मार्केटर है उसे इस चीज से ये पता चल रहा है कि बायर कितना टाइम डिवोट कर रहा है एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बेटर प्रोडक्ट और बेटर ब्रांड को लेने के लिए. तो जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ये कन्वीनियंस, शॉपिंग और स्पेशलिटी की, ये फेल होती है इन एक्सप्लेनिंग द रिलेशन बिटवीन बायर फाइंडिंग प्रोसेस एंड द मार्केटिंग मिक्स. तो जो लियो एस्पिनवॉल ने प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन दी है, वो दी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरी, जो था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड पैरेलल सिस्टम थ्योरी. तो जो क्लासिफिकेशन है उसकी तीन डायमेंशंस पे बेस है. पहला कि प्रोडक्ट को आप एज अ कॉन्टिनम ले रहे हो या एक डिस्क्रीट क्लास की तरीके से आप उसे फॉलो नहीं करते हो. इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टिन्यूड फॉर्म में आपने उसे देखना है, कि प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूड फॉर्म में यूज हो रहा है. ये नहीं कि एक बार यूज हुआ और उसके बाद खत्म, उसके बाद प्रोडक्ट फेड हो गया. नहीं, प्रोडक्ट को आप एज अ कॉन्टिन्यूड फीचर मान के आप प्रोडक्ट को कैरी ऑन कर रहे हो. देन कंसीडर किया उसने 5 प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स को. आइडेंटिफाई करता है ये प्रोडक्ट को बाय कलर्स, रेड, ऑरेंज एंड येलो. तो जो लियो एस्पिनवॉल है उसने क्लासिफाई किया प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ 5 करेक्टरिस्टिक. वो क्या थे? रिप्लेसमेंट रेट, मतलब कि वो क्या रेट है जिस रेट से जो प्रोडक्ट है वो परचेज किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है यूजर्स के थ्रू. देन ग्रॉस मार्जिन, मतलब डिफरेंस कितना है बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल प्राइस. एडजस्टमेंट, जो रिप्रेजेंट करता है एफर्ट कितनी लगाई गई है टू यूज द प्रोडक्ट. देन कंजम्पशन टाइम, मेजर टाइम क्या है कंजम्पशन का ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट गिव्स अप द डिजायर्ड यूटिलिटी. देन सर्चिंग टाइम, मतलब मेजर्ड एवरेज टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द रिटेल आउटलेट्स. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 करेक्टरिस्टिक जो एस्पिनवॉल है उसने क्लासिफाई किया प्रोडक्ट्स को 3 कलर्स में. पहला है रेड प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है वो इंजॉय करते हैं हाई रिप्लेसमेंट रेट, लो ग्रॉस मार्जिन, एडजस्टमेंट, कंजम्पशन टाइम एंड सर्च टाइम इनका लो होता है. देन ऑरेंज जो प्रोडक्ट होते हैं वो नाइदर हाई नॉर लो होते हैं बट मीडियम होते हैं. जो येलो प्रोडक्ट्स हैं वो इंजॉय करते हैं लो रिप्लेसमेंट रेट, हाई ग्रॉस मार्जिन, एडजस्टमेंट टाइम ऑफ कंजप्शन एंड सर्च टाइम. तो इनका जो स्कोर होता है वो हाई होता है. तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पढ़ा कन्वीनियंस, शॉपिंग और स्पेशलिटी, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको देख सकते हैं. जो रेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मास प्रोडक्शन, रेगुलर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज यूज होती है. जबकि जो ऑरेंज प्रोडक्ट्स हैं ये फुलफिल करते हैं कंबाइंड फीचर्स एंड, और इनके लिए पर्सनल सेलिंग की जरूरत होती है, मीडियम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और एडवर्टाइजिंग चाहिए होता है. जो येलो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शॉपिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और इनके लिए पर्सनल सेलिंग चाहिए होती है, शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डायरेक्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज की जरूरत होती है. देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी. तो उसके बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.